अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के गरम गरम शक है? शक तो नहीं है, ताज्जुब है। अब उसका क्या इलाज है? क्या हुआ? पहले ब्रश करके। मैम साहब, ये बेड टी है। तो क्या हुआ? ब्रश करके बेड पर ही पीना। देखो डार्लिंग, डार्लिंग वार्लिंग कुछ नहीं, पहले ब्रश करना फिर जाए। तो 6 साल हो गए हमारे शादी के, तुम बिल्कुल बदली नहीं, बस वही की वही शिवानी। तुम मुझे सिर्फ 6 दिन दे दो जनाब, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे बदल देती हूँ। तो ये चल। पहले ब्रश। शिवानी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई है, तुम ब्रश कर लो, तब तक मैं दूसरी चाय बनाती हूँ नीचे। तो क्या ये चाय मेरी उंगली डालने के लिए लाई थी क्या? बिल्कुल, जाओ ब्रश करो, मैं नीचे हूँ, जाओ जल्दी जल्दी, मैं देख रही हूँ। I'm checking. क्या बात है? ये कहीं वापस सो तो नहीं गया? नहीं माँ जी, मैं उन्हें चाय देकर आई हूँ और बोल कर आई हूँ कि दूसरी चाय नीचे आकर पीना। अब दूसरी चाय खत्म हुए भी आधा घंटा हो चुका है। आ जाएंगे। तूने उसे पूछा कि क्या बात है, क्यों ऐसे गुमसुम सा है? माँ जी, मुझे लगता है कि काम का ही कुछ टेंशन है। मनोज भी शायद उन्हें छोड़ कर गया है। क्यों? पता नहीं, आज मैंने यूं ही पूछा कि मनोज बहुत दिनों में नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि वो घर चला गया है। पर माँ जी, उसे गए भी बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से वो छोड़कर ही गया है। तू इसी तरीके से पूछ के देख कि क्या बात है, या तो वो काम है या कुछ और जिसका असर उसके काम पे हो रहा है। आज ही पूछ लूंगी। माँ जा, पिंकी भैया को बुला ला। नहीं माँ जी, मैं उन्हें ऊपर दे ही आती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। सर, बात पूछूं? ये सब कितने दिन चलेगा? क्या ये सब नाश्ता, बढ़िया बढ़िया खाना, दरवाजे तक छोड़ना, हॉस्पिटल आ जाना, बटन वगैरह लगाना, अभी बंद हो सकता है अगर आ चाहे तो। नहीं नहीं, मैं कहा चाहता हूँ, ये तो आप बंद करवाने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं नहीं, आप ही तो चिंता कर रहे हैं कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। वो नहीं, वो तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सुख के और कितने दिन बाकी है। विश्वास हो तो यकीन कर लो, उम्र भर। भाई जिंदगी अब छोटी लगने लगी है, हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। मन कर रहा है कि अब बस छुट्टी ले लूं। तो वो खाएगा क्या? कौन खाएगा क्या? वही तीसरा। तीसरा कौन? तुम भी निकम्मे, मैं भी बेरोजगार, तो उसका भी तो सोचो। वो खाएगा क्या? क्या किया जा सकता है?
कहाँ जा रहा है? काम पर माँ। इतनी जल्दी? हाँ माँ, बहुत जरूरी काम है। अरे चाय तो पीके जा। माँ मुझे पहले ही देर हो गई है। कुछ देर वेर नहीं हुई है, चुपचाप नाश्ता कर ले। जो घर से भूखा निकलता है वो दिन का भिखारी होता है, पता है ना? माँ जा गायत्री, कुछ बना कर ला। क्या बात है? कुछ नहीं माँ। सच? बस माँ यूं ही माँ मैं चलता हूँ। अरे अभी तो अंदर गई है तो बात क्या है तुम्हें? माँ मैं बस जरा सा परेशान हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ो, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। पर क्यों? मैंने कहा ना मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। थोड़ा वक्त गुजर ले। मैं चलता हूँ। माँ जी वो जो ब्रेड फ्रिज पर पड़ी थी। रहने दे गायत्री, चला गया वो। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, कह रहा था कुछ दिन के लिए उसे अकेला छोड़ दे, कोई सवाल न करे, वो अपने आप ही सब कुछ बता देगा। नहीं जो चांद को चेहरा न दे सके, तुम ही नहीं जो चांद को चेहरा न दे सके, ये हादसा तो होता है अक्सर सभी के साथ, ये हादसा तो होता है अक्सर सभी के साथ, शायद कोई कमी सी है हर जिंदगी के साथ, कोई किसी से दूर है, कोई किसी के साथ। हेलो शिवानी, मैं रोहित। हाँ रोहित बोलो। शिवानी ये सब क्या है? क्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ रोहित? शिवानी तुम अच्छी तरह से जानती थी ये सब कुछ, फिर ये सब क्यों? रोहित हम ये बातें फोन पर ना ही करें तो अच्छा है। तो शिवानी तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं? शिवानी मेरे पास वो सारे जवाब हैं जो तुमने मुझसे मांगे थे। कब मिल सकती है? कल। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। गायत्री
तुम एक बार फिर सोच लो। अजय, मैंने पिछले 3 साल सोचा है, पर कल रात को मैंने फैसला कर लिया और आज रेजिग्नेशन। गायत्री, मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि तुम फिर सोच लो। अजय, अब मैं अपना सारा ध्यान रोहित पर देना चाहती हूँ। वो बहुत भटका है अजय, सच पूछो तो उसने आज तक घर देखा ही नहीं, सिर्फ बनाया है। शुरू शुरू में ना उसके पास पैसे थे ना घर, तब मेरा नौकरी करना कुछ जरूरी सा बन गया था। घर ना हो तो ना सही, पैसे तो आ जाते थे। फिर वक्त गुजरा, रोहित ने पैसे बनाए और दीवारें भी, पर घर अब मैं उनकी और हमारे आने वाले बच्चे की देखभाल करके बनाना चाहती हूँ। अब जब इस्तीफे का जिक्र आ ही गया तो मैं भी तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। मैंने अपने तबादले की अर्जी दे दी। कहा? कहीं भी, लेकिन दूर, यहां से बहुत दूर। क्यों अजय? बस ऐसे ही। कहीं दूर मत जाओ अजय, अब यही रहो हमारे साथ। मैं और रोहित तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे, माँ जी से कहेंगे, वो ढूंढेंगी। अब शादी करके सेटल हो जाओ अजय। कोशिश तो बहुत करता हूं गायत्री, पर सेटल नहीं हो पाता। मुड़कर पीछे मत देखो अजय, सिर्फ आगे देखो, आने वाली राह को, वो साफ नजर आनी चाहिए। गुजर तो वहीं से है ना। रोहित कहां है? ऑफिस। क्यों? बहुत दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई। शाम को घर आ जाना। हाँ, आज जरूर आऊंगा। मैं चलती हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हारा इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है, अगर मन बदल जाए तो वापस आ सकती हूँ। पूरे 1 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास। 1 महीने बाद की तारीख लिख लेना, इरादा पक्का। शहर से थोड़ी दूर, वहां हम फूल और सब्जियां उगाएंगे, बच्चे भी है ना, और सारा दिन साथ साथ रहेंगे। वो साइड बिजनेस चला लो, नो प्रॉब्लम। कब चले? कल से। पैकिंग कर ली? एब्सोल्युटली, लेकिन डिनर के बाद। डिनर में क्या बनाया? मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था, और बनाने जा रही थी कि तुम। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। ओके, बाहर नहीं जाना है? नहीं नहीं, बाहर नहीं जाएंगे हम, आज मैं खाना पकाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बना दी। देखो शिवानी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू कुक। मतलब ये बहुत सारा तेल और बहुत सारे मसाले? नो नो नो, मतलब अविनाश स्टाइल, यू नो, प्लीज फॉर माय सेक टुडे, प्लीज कम। अरे ठीक है, ऊपर जाओ नहा लो, उसके बाद जो मन में आए करो। हाँ हाँ, चलो चलो ऊपर चलो।
आज बहुत कुछ है मन में करने के लिए। दुनिया के कारोबार के अपने उसूल हैं, दुनिया के कारोबार के अपने उसूल हैं। मिलता है कोई गम भी यहाँ हर खुशी के साथ, मिलता है कोई गम भी यहाँ हर खुशी के साथ। शायद कोई कमी सी है हर जिंदगी के साथ, कोई किसी से दूर है कोई किसी के साथ। सब समझ में आता है और कुछ भी समझ में नहीं आता। फैसला करता हूं तो गायत्री को तकलीफ पहुंचाता हूं, नहीं करता तो शिवानी को। और दोनों ही सूरतों में उलझा तो मैं ही रहता हूं ना, और शिवानी भी। लेकिन अजय, मैं ये हालात गायत्री तक नहीं पहुंचने दूंगा। पहुंच तो गए ही हैं, अजय मैं गायत्री को कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं। अजय मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूं, उसके साथ मेरा घर जुड़ा हुआ है। मेरी मां उसके साथ जुड़ी हुई है, मेरी बहन पिंकी उसके साथ जुड़ी हुई है। अजय मेरा आने वाला बच्चा उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इन सब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं ये सब हरगिज खत्म नहीं करूंगा। इन्हें जीते जी अपने फैसले की कीमत नहीं बनाऊंगा। मतलब तूने फैसला कर लिया है? अजय मन स्थिर नहीं हो पा रहा, हर पल कभी वो शिवानी की तरफ भागता है, फिर गायत्री उसे पुकारती है तो वो किसी तरह शिवानी से छूटकर गायत्री के पास आकर सो जाता है। अभी कुछ पल आराम से सोता है तो शिवानी उसे आकर जगा जाती है। पर हर हाल में वो दुखी रहता है, हर पल परेशान।
इन जख्मों का इलाज तो किसी चाराघर के पास नहीं है, क्योंकि ये जख्म भी तुमने ही चुने हैं और इसका इलाज किसी मरहम से नहीं होगा बल्कि और जख्मों से होगा जो तुम्हें अपनाने ही होंगे। मैं सचमुच नहीं जानता अजय कि मैं क्या फैसला करूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अब मुझे छुटकारा चाहिए किसी भी कीमत पर। कौन छुटकारा चाहता है और किससे? रोहित, वो भी तुमसे। कह रहा है कि मैं गायत्री से तंग आ गया हूं और अब किसी भी कीमत पर उससे छुटकारा चाहता हूं। अच्छा, तो चलो, कर दिया इन्हें आजाद और वो भी बिना किसी कीमत के। पर जनाब, एक घंटे के बाद मुझे ढूंढते हुए वापस ना आए ना तो मेरा भी नाम बदल देना। अजय, ये मुझे कमजोर समझते हैं पर मुझसे भी ज्यादा ये है, एक मिनट भी नहीं चल पाएंगे मेरे बिना। खाना तो मेरे सिवा हलक के नीचे उतरता नहीं और चले हैं जनाब छुटकारा मांगने। चलो, खाना तैयार है, नीचे आ जाओ। बस ये ड्रिंक खत्म करके आते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। चलो। मौसम के साथ साथ बदलती है हर फिजा, मौसम के साथ साथ बदलती है हर फिजा।